Hi guys, welcome to my YouTube channel The Girl Next Door and welcome to another vlog after a really long time. So for the past few days I have been feeling demotivated bahut zyada with whatever is going on in the world right now, and all of us are aware of it, and I was feeling extremely low, sad, angry, helpless and all of the negative emotions. Kafi time tak I was like trying to take a break because I could not go on with the नॉर्मल लाइव्स एंड दैट इज़ द रीज़न वाई मैंने कुछ ब्लॉग नहीं किया, बिकॉज इन द पास्ट ब्लॉग जो ससियत ब्लॉग मैंने डाला था उसमें मैंने बताया हाउ कैन वी कीप ऑन गोइंग विद आर लाइव्स वैन वी नो दैट पीपल आर सफरिंग, चिल्ड्रन, वेमेन आर सफरिंग, दे डोंट हैव एक्सेस टू बेसिक ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन नीड्स. आई होप एंड प्रे दैट ऑल ऑफ दिस एंड्स सून, बट आई थॉट के टू ब्रेक द एल्गोरिदम आई शुड बी हेयर एंड कीप पोस्टिंग समथिंग. सो आई एम हेयर एंड काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि एवर सिंस आई हैव गॉटन मैरिड आई हैव नॉट बीन एबल टू गिव टाइम टू माई सेल्फ. वेन आई वॉज नॉट मैरिड मैं बहुत अपना अपनी चीज़ करती थी. आई वुड टेक आउट टाइम फॉर माई सेल्फ, लाइक सेल्फ केयर रूटीन, सेल्फ पैम्परिंग. मैं फेस मास्क लगाती थी, हेयर मास्क लगाती थी. आई वुड रात को, इट यूज टू बी माई मी टाइम जब मैं फ्री होती थी हर चीज़ से. एट नाइट आई वुड जस्ट बी इन माई रूम, आई वुड लिसन टू म्यूजिक, वॉच समथिंग. इट वॉज अबाउट मी टाइम. Not complaining, I'm very happy now that I have gotten married, but I'm just saying के बहुत ज़्यादा self care, self pampering करने का मुझे time नहीं मिलता है. So I was just thinking of making a vlog where I do a little bit of self care and self pampering, where I'll be doing all the things that I love. I'll be focusing on my health, my skin and my diet and you know, because हम लोग को अपनी mental health का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है. So yeah, I am excited about this one. I'll keep this short. So winters are here. Winters में your skin and your everything needs a little extra attention. तो मैंने कहा क्यों ना हम एक cozy सा vlog बनाए where I'll be sharing all the things that makes me happy or that I do for myself. Let's get started. I am excited with this for this vlog. So without further ado, let's get started with this self-care pampering vlog. I always like to start my mornings with lukewarm water, जिसमें मैं कभी कभी lemon, honey, जो भी available होता है वो मैं डालती हूँ. As pre-workout snacks, I like to have some dry fruits and थोड़े बहुत खजूर. Dates give you instant energy और dry fruits भी आपको काफ़ी ज़्यादा energy provide करते हैं. In general also जो खजूर होते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं. And now is gym time. I don't like to do a very intense heavy workout. I just indulge into treadmill, जो walk होती है, and थोड़ा बहुत इधर उधर cycling and all. उसके बाद घर आके I take a nice hot shower bath. काफ़ी ज़्यादा relaxing था, and I am going to use all my favorite products क्योंकि winter है. Face serum, hair serum and body oil. My skin is extra dry, so it needs एक्स्ट्रा नरिशमेंट. तो ये बॉडी ऑयल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो रोज़ हिप का ये फेस सीरम मैं ले रही हूँ एंड आई एम जेंटली वार्मिंग इट अप बिटवीन माई फिंगर्स एंड ये मैंने यूज़ कर लिया. नाउ सम लिप बाम बिकॉज एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत है एंड विंटर्स में मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं, तो उसके लिए बायोलॉज का ये एंटी फ्रिज फ्री सीरम यूज़ किया है फॉर माई हेयर. एंड माई फेवरेट पार्ट, दिस प्लम का हवाइन रूम्बा बॉडी ऑयल, आई एब्सोल्युटली लव इट. मैं इसको वार्म अप कर लेती हूँ बिटवीन माई पाम्स एंड आई अप्लाई इट ऑल ओवर माई बॉडी. इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा अच्छी है, इतनी ज़्यादा सूदिंग है. माई स्किन इज़ विंटर रेडी. आप डेफिनेटली चेकआउट करो द प्लम के प्रोडक्ट्स, दीज आर अमेजिंग. एंड मुझे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर मिलता है इससे, बॉडी ऑयल से, मोर देन अ मॉइस्चराइजर. उसके बाद आई इन्जॉय इन माई बैल्कनी. ये सारी छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो मैंने लगाए हैं. एंड दिस इज़ माई हॉट चॉकलेट कॉफ़ी एंड विद अ फ्यू स्नैक्स. ये सॉल्टेड पीनट्स हैं और कुछ कुकीज़ हैं. पर्सनली दिन में आपको कुछ टाइम निकालना चाहिए विद नेचर, विद प्लांट्स, या फिर ऐसे नेचर में बैठ के टू यू नो
इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ और बस आप मोबाइल से दूर, हर गैजेट से दूर, हर चीज़ से दूर, जस्ट इंजॉय एंड एम्ब्रेस द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड स्पेंड सम टाइम अलोन विद योरसेल्फ, आपको बहुत ज़्यादा सूदिंग एंड कामिंग फील होता है। पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपनी बैल्कनी में टाइम स्पेंड करना, सुबह सुबह या फिर शाम को मैं करती हूँ विद माई कप ऑफ कॉफ़ी और ग्रीन टी या फिर लूपॉम वाटर के साथ। इट्स इज़ अ गुड टाइम। आपको भी इफ़ यू डोंट स्पेंड टाइम खुली हवा में धूप लेते हुए या नेचर के साथ, तो इट्स हाई टाइम दैट यू स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ। यू सी द न्यू सेटअप राइट देयर, मेरा स्टूडियो इज इन द मेकिंग धीरे धीरे करके। फाइनली इतने टाइम हम लोग यहाँ मार्च में शिफ्ट हुए थे एंड अब जाके फाइनली द होल हाउस इज यू नो कमिंग टुगेदर, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। द स्टूडियो इज फाइनली कमिंग इन टू मेकिंग एंड बहुत मैंने पूरा ऐसे सेटअप कर दिया है पीछे, इट्स ऑल वाइट राइट नाउ, बट मैं चाह रही हूँ कि इसमें थोड़ा सा मतलब और एलिमेंट्स एड करूँ एंड कुछ स्किन केयर भी ऑर्डर किया, मतलब कुछ पैम्परिंग सेशन हो, कुछ अपने आप को ना अच्छा सा ही कुछ फेशियल स्पा या इस तरह सा कुछ दो। तो आई हैव डिसाइडेड टू गिव माई सेल्फ अ क्लीन अप, टू डू अ क्लीन अप एट होम। जी हाँ, शादी से पहले आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ फेस मास्क एंड घर पे फेशियल्स एंड हेयर स्पा एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बट अब ऑफ लेटली मैं वो सब नहीं कर पा रही हूँ, DIY मास्क एंड ये सब काफ़ी। तो मैं पहले ना काफ़ी क्लीन अप्स करती थी घर पे, मोस्टली DIY एलिमेंट्स से ही होते थे, बट अब मैंने सोचा कि पार्लर लाइक क्लीन अप किया जाए घर पे, क्यों ना। तो आई हैव गॉट दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम ओजो। तो क्लीन अप में मतलब क्या स्टेप्स होते हैं मैं बताती हूँ, बिकॉज मैंने अपने ब्राइडल से पहले क्लीन अप लिया था, तो आई नो कि वो लोग क्लेंस करते हैं पहले आपका फेस, फिर उसमें स्क्रब करते हैं एंड पैक लगाते हैं, देन एंड में सनस्क्रीन लगाते हैं। तो मैंने आई गॉट दीज प्रोडक्ट्स बाय द ब्रांड ओजोन, विच आर एक्चुअली लाइक इज गोइंग टू गिव यू लाइक पार्लर लाइक रिजल्ट, ट्रस्ट मी आई एम नॉट किडिंग यू ऑन दैट। तो मैंने सोचा कि चलो इनको ट्राई करते हैं टू गेट द पार्लर लाइक क्लीन अप लुक। तो अब मैं आपसे मिलूंगी थोड़ी देर बाद जब आई गेट मतलब सारा मैं सब कुछ अपना रैप अप करके मैं एक अच्छा सा सूदिंग कामिंग क्लीन अप सेशन करूँ अपना घर पे ही। तो आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड फॉर दैट टू ट्राई आउट दीज वंस। मैंने बहुत मतलब इनका नाम सुना है, दिस गिव यू लाइक पार्लर लाइक क्लीन अप्स, तो मैंने कहा चलो करते हैं, फेस्टिव सीजन भी है, इट विल बी सो यूजफुल एंड थोड़ा सा सेल्फ पैम्परिंग सेशन भी हो जाएगा। तो या आई विल मीट यू इन अ व्हाइल। So for this de-tan cleanup at home, I'm going to be using Ozone Ayurveda ke products, jisme hai face wash, face scrub and de-tan face pack. All of these are targeted for de-tan. अगर आपको tanning हो गई है from the summers, these are going to work really good on your skin. तो ये face wash, face scrub and face pack are Ayurvedic. These are natural in nature and इसमें कोई भी paraben नहीं है, silicone नहीं है, petroleum नहीं है, कोई artificial color नहीं है और ये बिल्कुल 100% Ayurvedic products हैं. These are very very inexpensive. मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हूँ मैं ये ट्राई करने के लिए। यू कैन ट्राई दीज एट होम, इजी टू यूज़, इसका फॉर्मुलेशन अच्छा है, स्मेल अच्छी है, इसके सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, डी टैन क्लीन अप है। सबसे पहले मैं ले रही हूँ ओजोन डी टैन फेस वॉश टू क्लेंस माय फेस प्रॉपरली। इसका इस तरह का कुछ टेक्सचर है, नॉट वेरी रनी, नॉट वेरी थिन, जेल लाइक टेक्सचर है और इसकी स्मेल ना थोड़ी सी ऑरेंज पील पाउडर जैसी थी, जैसे ऑरेंज के छिलके का नहीं होता है उस तरह की इसकी स्मेल थी। आई एम गोइंग टू क्लेंस इट माई फेस फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स सर्कुलर मोशंस में, लाइट हैंड स्ट्रोक्स यूज करके, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं वो लोग पार्लर में। इससे क्या होता है ना, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एक्टिवेट होता है, काफ़ी अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन, सारा जो ब्लड है वो आपकी स्किन पे आता है। सो विद वेरी लाइट हैंड्स आई एम गोइंग टू मसाज माई स्किन, माई नोज एरिया, माई आई एरिया, माई फोरहेड एरिया, अच्छे से मैं एक मसाजिंग टेक्निक यूज करूंगी फॉर दिस। और मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब एक बहुत स्मूथ था इसका, जेल लाइक टेक्सचर था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इजीली मैं काफ़ी इसको मसाज कर पाई टू माई स्किन। और ये मैंने वॉश कर लिया आफ्टर 2 मिनट्स और अभी से यू कैन सी कि इतने अच्छे से इसने मेरी स्किन को क्लेंस कर लिया है, क्लीन कर दिया है। फॉर द नेक्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस ओजोन का डी टैन स्क्रब। दिस इज़ बाय फार द बेस्ट स्क्रब आई हैव यूज्ड। इसका टेक्स्चर काफ़ी अच्छा था, अगेन नॉट वेरी थिक, नॉट वेरी थिन, और इसके जो स्क्रब पार्टिकल्स थे ना, आई एम किडिंग यू नॉट, मैंने बहुत सारे स्क्रब यूज़ किए हैं इन द पास्ट। बायोटिक वाला जो है ना वो मेरा फेवरेट है, बट अब ये वाला मेरा फेवरेट है क्योंकि इसके स्क्रब पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पतले
हैं, बहुत छोटे हैं, बिल्कुल भी हार्श नहीं है ऑन द स्किन और बिल्कुल भी आपका जो स्किन का नेचुरल मॉइस्चर है वो बिल्कुल स्ट्रिप ऑफ नहीं करते हैं। बहुत ही लाइट हैंड्स के साथ अगेन मैंने 2 से 3 मिनट अपनी स्किन को स्क्रब किया था। मुझे इस स्क्रब का जो टेक्स्चर था टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत सॉफ्ट पार्टिकल्स है इसके एंड यू कैन सी सारा ब्लड सर्कुलेशन मेरे फेस पे आ गया। बिल्कुल अभी से ही मेरी स्किन एकदम डी टैन फील कर रही है और बहुत सॉफ्ट भी था, बिल्कुल भी नेचुरल ऑयल स्ट्रिप ऑफ नहीं हुआ था। नेक्स्ट स्टेप, फाइनल स्टेप इज़ द ओजोन का डी टैन फेस पैक। ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का फेस पैक था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने ज़्यादातर फेस पैक ना या तो जेल कंसिस्टेंसी में देखे या मडी कंसिस्टेंसी में। ये जो फेस पैक था ये क्रीम फेस पैक था, बिल्कुल आपको लगेगा जैसे आप कोई मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हो। तो मैंने इसको दिया ऑल ओवर माय फेस, बहुत ज्यादा ना ये बिल्कुल ट्रस्ट मी मॉइस्चराइजर जैसा था। पहला फेस पैक देखा है मैंने जो कि बिल्कुल भी आपके स्किन के नेचुरल मॉइस्चर को स्ट्रिप ऑफ नहीं करता। इंस्टेड मैंने 10 मिनट तक इसको रखा, उसके बाद जब मैंने वॉश किया ना मेरी स्किन पहले से कहीं ज़्यादा मॉइस्चराइज लग रही थी, हाइड्रेटेड लग रही थी, बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं लग रहा था। जैसे मैं बेसन वगैरह लगाती तो मुल्तानी मिट्टी इसका ड्राई हो जाता है, बट इसके बाद बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था। मुझे ये तीनों प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। यू कैन सी मेरी सारी टैनिंग भी चली गई है, स्किन एकदम स्मूथ एंड सॉफ्ट हो गया है। डी टैन फेस पैक इज़ अ मस्ट। मैं इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक दे रही हूँ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, तो डू चेक इट आउट, डू ऑर्डर फॉर पार्लर लाइक क्लीनअप एट होम। अब ये सब करने के बाद आई एम गोइंग टू यू नो यू a little bit of green tea. मेरे night time में ज़रूर ज़रूर I drink green tea. मुझे बहुत ज़्यादा calming एहसास होता है, तो मैंने इसको ना ऐसे brew होने के लिए side में रख दी है थोड़ी सी, जब तक इसके सारे essence निकलते हैं। I'm just going to use nail paint. मैं regularly नहीं लगाती हूँ nail paint because of नमाज, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है nail paint लगाना, तो मैंने सोचा चलो आज लगाते हैं। तो मैंने एक ब्राइट पिंक ग्लिटरी नेल शेड लिया, नेल पेंट शेड लिया एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्ड। बिकॉज ऑफ द डी टैन जो मैंने क्लीन अप किया था उसकी वजह से मेरे हाथ भी ऐसे डी टैन हो गए, क्योंकि वो जो बचा कुचा प्रोडक्ट था मैंने अपने हाथों पे लगाया। मेरे हाथ भी देख सकते हो आप कितने ज़्यादा यू नो टैनिंग हट चुकी है हाथों की भी, एंड नेल पेंट भी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है बिकॉज आई वॉज एक्चुअली ग्रोइंग माई नेल्स अभी मैं, बट अब मैं कट कर लूँगी इन्हें। उसके बाद आई एम जस्ट गोइंग टू इन्जॉय माई ग्रीन टी। रात के टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है टू टेक सम टाइम फॉर माई सेल्फ एंड लुक एट माई क्यूट mug that I'm flaunting, florals are, and yeah, that was it for this self-care pampering routine, pampering vlog. मुझे इस टाइप के वीडियोज़ करना बड़ा पसंद है बिकॉज मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पैम्पर कर पाती हूँ इन जनरल। मतलब अगर मैं वीडियो नहीं भी शूट करी तो भी मैं काफ़ी टाइम ऐसे निकाल ही लेती हूँ अपने लिए टू डू सम पैम्परिंग सेशन। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया है वीडियो करने में, अगर आपको भी अच्छा लगा हो ये वीडियो देखना तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब, एंड एक घंटी होगी बेल आइकन उसे हिट कर देना। यू कैन ऑल्सो डू दिस सेल्फ केयर पैम्परिंग रूटीन एट योर होम। मैं चलती हूँ, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।